हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये एक सत्तू की रेसिपी है। तो आप आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से सत्तू आप घर में ही बना के खा सकते हैं। महंगा लाने से अच्छा है मार्केट से कि आप घर में ही सत्तू बना के खाएं। तो आज मैं चने के सत्तू की रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये मैंने मार्केट से इस तरीके के चने लिए हुए थे फ्रेंड्स। ये इस तरीके के मार्केट में चने मिल जाएंगे आपको और इस तरीके के पैकेट्स में मिल जाते हैं। तो इन चनों को मैंने एक बाउल में डाल के इस तरीके से और इनको इस तरीके से ये मैश कर लिया अच्छे से। इसके छिलके अलग हो गए हैं और ये दाने दाने अलग ये हो जाएंगे। तो ये मैंने दाने इसमें से कुछ निकाल लिए हैं, ये इस तरीके से रखे हुए हैं। तो आप इनको ये मसल मसल के अच्छे से ये दाने इस तरीके से निकाल लीजिए या किसी थाली वगैरह में डाल के इनके छिलके इनको थोड़ा सा फटक दीजिए तो ये छिलके इनके बाहर हो जाएंगे। और ये चने चने आप एक बाउल में निकाल लीजिए इस तरीके से। तो ये मैंने अच्छे से ये चने निकाल लिए हैं। अब इन चनों में थोड़ा सा जैसे कि इस तरीके के रह जाते हैं ये छिलके वगैरह, तो ये रहने दीजिए। अगर आप निकाल सकते हैं तो सारे निकाल दीजिए, नहीं अगर निकल पाते हैं बाई चांस ऐसे रह जाते हैं तो इनका जो छिलकों का थोड़ा सा फ्लेवर आएगा ना सत्तू में, ये भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसलिए मैंने थोड़े से छिलके रहने दिए हैं इसमें और ये छिलके का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आज मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी कि आप सत्तू किस तरीके से घोल के और खा सकते हैं। तो ये मैं जैसे मैंने ये मार्केट से लिए और मैंने छिलके निकाल दिए। अभी छिलके निकालने को इस तरीके से रहे। अब हम इनको एक मिक्सी जार में डालेंगे और इनको अच्छे से पीस लेंगे, एक पाउडर बना लेंगे इनका। तो हम एक बार देख लेते हैं कि सत्तू हमारे कितने ये रेडी हुए हैं। एक बार इनको जैसे आप पीसते हैं ना, उसके बाद इस तरीके से स्पून से चलाइएगा जरूर, क्योंकि इसमें थोड़े से दाने वगैरह रह जाते हैं। तो अब हम सेकंड टाइम ही इनको पीसेंगे। वैसे पाउडर अच्छा सा बन गया है, हम एक बार और पीस लेते हैं इनको थोड़ा सा। तो ये सत्तू हमारे अच्छे से पीस चुके हैं। अब हम एक इस तरीके की जाली लेंगे और इसमें डाल के इसको छान लेंगे आटे की तरह। इस तरीके से हम छान लेंगे छलनी की सहायता से। और इसमें जो मोटे मोटे जो हमारे वाइट्स रह जाएंगे, चने के दाने रह जाएंगे और ये छिलके का ये चूरा रह जाएगा, तो ये इस तरीके से छलनी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप छान लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे चने के सत्तू एकदम बन के रेडी हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से पिसे हुए हैं। ये कहीं पे दाना भी नहीं रहा क्योंकि हमने इसको छाना भी है। तो यदि आप चाहें तो इस तरीके से फाइन पाउडर बना सकते हैं। यदि आपको थोड़े से दरदरे पसंद है तो थोड़े से दरदरे आप रख सकते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद है आप उस तरीके से इनको पीस के खा सकते हैं। और मार्केट से बेटर है कि आप घर में इस तरीके से जब भी आपका सत्तू खाने का मन हो तो आप इस तरीके के चने के सत्तू बनाइए और खाइए और इंजॉय करिए। और ये बहुत इजीली बन जाते हैं। बस दो आपके चने साफ होने चाहिए और 2-3 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। और यदि आपको घोल के खाने हैं तो मैं किसी और वीडियो में आपको घोल के बताऊंगी कि किस तरीके से खाने हैं। बट फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। आप जितने भी खाने हैं आपने सत्तू एक कटोरी में डाल लीजिए। और ठंडे खाने या नॉर्मल पानी के खाने हैं तो आप उस तरीके से आप बनाइए। और इसमें आप जैसे आपने अगर मीठे खाने हैं तो चीनी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चीनी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं। तो गुड़ वगैरह यूज़ करना है तो उसका पहले एक लिक्विड पानी बना लीजिए या फिर उसका चूरा बना लीजिए, तब इसमें से घोल के आप बनाइए। और यदि आप चीनी के बना रहे हैं तो और इंस्टेंट आपको खाने हैं ठंडे ठंडे, तो उसका एक तरीका ये है कि आप कटोरी में ये सत्तू डालिए, चीनी डालिए, मीठा कितना खाना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बट ये थोड़े से ज़्यादा ही मीठे आप बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फिर आप इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल करें, ठंडे पानी में आप इनको घोल लें और इंस्टेंट बना के खा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको इंस्टेंट बताया कि आप किस तरीके से बना के घोल बना के इसका खा सकते हैं। यदि आपको ये छाछ की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें 2-3 टेबल स्पून ही आप छाछ में ये यूज़ करें। पहले दही डालें या दही से अगर आप छाछ तैयार कर रहे हैं तो पहले दही डालें मिक्सी में और फिर ये 2-3 टेबल स्पून ये चने का ये पाउडर डालें जो मैंने अभी सत्तू बनाया है ये डालें। और उसके बाद नमक, काला नमक डालें, थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं आप।
और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए, दूध ऐड ना करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको मिक्सी में अच्छे से चला दें, आपकी ये सत्तू वाली लस्सी बनके तैयार हो जाएगी। बट इसका वीडियो भी मैं एक अलग से बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि आप सत्तू वाली लस्सी किस तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सत्तू की लस्सी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएं। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।